त्रिकोणमिति अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम। सभी त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा समकोण त्रिभुजों से समझी जा सकती है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच पाइथागोरस प्रमेय एक संबंध देता है। इसका उपयोग करके हम त्रिकोणमिति अनुपातों में कुछ संबंध ढूंढ सकते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज ABC की चर्चा करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें समकोण त्रिभुज ABC में कोण C है 90 अंश, अर्थात ये समकोण है, और कोण A ये थीटा के बराबर है। इस त्रिभुज में कोण A के सामने की भुजा की लंबाई A, कोण से सी के सामने की जो भुजा की लंबाई है वो सी, और कोण बी के सामने की भुजा की लंबाई है बी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने कोणों के सामने जो भुजा की लंबाई लिखी है वो स्मॉल लेटर में लिखी है। जैसे बी है तो बी के सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल बी लिखी है, कोण ए है तो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए लिखी है, कोण सी के सामने की भुजा की लंबाई को भी हमने स्मॉल सी लिखी है। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का वर्ग उसकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज की बात हम जब कर रहे हैं तो कर्ण भुजा उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है और ये उसकी दो अन्य भुजाएं हैं, जैसे BC भुजा और AC भुजा दो अन्य भुजाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि AB का वर्ग ये बराबर है BC का वर्ग और AC का वर्ग। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको लिखा कि AB का वर्ग बराबर है BC के वर्ग धन AC के वर्ग के। अब AB का मान यदि हम देखें तो AB का मान हमारे पास है यहाँ पर C, तो इसको हम लिखेंगे C का वर्ग। BC का मान है A, तो इसे लिखेंगे A का वर्ग। और AC, तो AC यहाँ पर हम देख सकते हैं AC का मान है B, तो ये B का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा गया C का वर्ग बराबर A का वर्ग धन B का वर्ग। ये हम इसको एक समीकरण के तौर पे एक नाम दे देते हैं एक। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो ये जो विकर्ण है C और ये भुजा B, ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा। तो इन दोनों भुजाओं के संबंध में अनुपात हम देखें, दोनों भुजाओं के बीच के अनुपात को देखें, वैसे ही हम यदि इसके A और C के अनुपात को देखें तो हम इसको त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं भुजा A और भुजा C के अनुपात को, तो हम ये देख रहे हैं कि कोण के सामने की भुजा है ये A, इसका मतलब ये लंब भुजा है और ये कर्ण भुजा है। तो लंब भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। तो हम साइन थीटा बराबर लिख सकेंगे A/C। ऐसे ही हम भुजा B और भुजा C के बीच के अनुपात को देखेंगे। तो यहाँ पर ये बीच का कोण थीटा है और हम ये भुजा जो है वो आधार भुजा के रूप में जान रहे हैं इसको। और आप जानते हैं कि आधार भुजा और जो कर्ण भुजा होती है उसके अनुपात को हम क्या लिखते हैं। तो आधार भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात है वो cos थीटा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर B/C। ये दो अनुपात हमें दिखाई दे रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय को त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में संबंध कर रहे हैं। तो इसलिए हमने पहले देखा ये पाइथागोरस प्रमेय C का वर्ग बराबर A का वर्ग धन B का वर्ग। अब हमने भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति के रूप में लिखा। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अनुपातों को हम इसमें संबंधित कर सकते हैं और कोई नया संबंध यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम ऐसा कर दें कि यहाँ पर A/C आ रहा है, यहाँ पर B/C आ रहा है, तो यदि हम एक में, जिसको हमने एक कहा है समीकरण एक,
उस समीकरण एक में यदि हम c का वर्ग कर भाग कर दे, समीकरण एक में c वर्ग से भाग करने पर, तो हम इसे लिखेंगे c का वर्ग बटा c का वर्ग बराबर a का वर्ग बटा भी c का वर्ग हो जाएगा, और इसको भी हम c के वर्ग से ही भाग कर रहे हैं तो b का वर्ग बटा c का वर्ग, c का वर्ग बटा c का वर्ग ये कट जाएगा। तो जहां हमने c का वर्ग बटा c का वर्ग लिखा इसका मतलब दोनों कटा, तो कटा तो उसकी जगह में मिला एक, और हमने लिखा था a का वर्ग बटा c का वर्ग, a का वर्ग बटा c का वर्ग मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं a बटा c का वर्ग, और ऐसे ही हमने उसमें लिखा हुआ है b का वर्ग बटा c का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं b बटा c का वर्ग। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें, a बटा c जो है वो साइन थीटा का मान है, इसका मतलब इसकी जगह में हम लिखेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग, धन b बटा c जो है वो कॉस थीटा का मान है, तो कॉस थीटा रखा और इसका हमने कर दिया वर्ग। जब हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे होते हैं तो जो साइन थीटा का वर्ग आता है उसको हम इस रूप में लिखते हैं साइन का वर्ग थीटा, तो इसको हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इसको भी हम लिख लेंगे और इसको भी हम पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने अभी देखा ये, इसको हम इस ढंग से लिख दें यदि कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो हमने ये देखा कि पाइथागोरस प्रमेय हमने समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ा, और त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ा, और दोनों ने हमने संबंध यहाँ पे देख लिया कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में एक संबंध और प्राप्त किया। तो यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, जो साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। इस सरल समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के संबंध के उपयुक्त तीनों कथन समीकरण के रूप में हैं। ये समीकरण हमने कोण थीटा के उन सभी मानों के लिए दिखाए हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हैं। समकोण त्रिभुज में थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 के लिए इन्हें त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं कहते हैं। कुछ अन्य सर्वसमिकाएं हैं जो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तथा कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा में संबंध बताती हैं। इन्हें निम्नलिखित तरह से ज्ञात कर सकते हैं, देखें और समझें। सर्वसमिका एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसको हम सर्वसमिका एक कह रहे हैं। तो क्या इसके अतिरिक्त और भी सर्वसमिकाएं हम प्राप्त कर सकते हैं? तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो अनुपात हमारे पास हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। यदि एक बार हम साइन के वर्ग से अर्थात साइन स्क्वायर थीटा से इसको भाग करके देखें और दूसरी बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करके देखें, तो दो संबंध और हमको यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो सर्वसमिकाएं और हमको मिल सकती हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि जब हम सर्वसमिका एक को साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं तो हमें क्या संबंध प्राप्त होता है। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा को भाग कर रहे हैं, तो पूरे सर्वसमिका को हम भाग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों पक्ष में हमको भाग करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से और कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, और बराबर के दूसरी ओर जो वन है उसको भी हम साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये कटेगा और कट के मिल जाएगा हमको वन, और इसको हम दोनों की घात
कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे लिखें कास थीटा बटा साइन थीटा और इस पूरे का वर्ग, और ऐसे ही इसको भी हम लिख लेते हैं एक बटा साइन थीटा है और इसका वर्ग। अब हम ये संबंध जानते हैं कास थीटा बटा साइन थीटा और एक बटा साइन थीटा, तो आप क्या जानते हैं इसको कि यदि कास थीटा बटा साइन थीटा होता है तो इसको हम लिखते हैं काट थीटा, और ऐसे ही एक बटा साइन थीटा इसको हम लिखते हैं कॉसेक थीटा के बराबर। मतलब कॉसेक थीटा का मान है एक बटा साइन थीटा और काट थीटा का मान है कास थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास कास थीटा बटा साइन थीटा है और यहाँ हमारे पास एक बटा साइन थीटा है, तो इनकी जगहों पे हम मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा एक धन काट थीटा इसका वर्ग और बराबर एक बटे साइन थीटा की जगह पे हम रख रहे हैं कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा इसका कॉसेक थीटा का वर्ग। हम यहाँ पर इसको इस ढंग से लिखेंगे वन प्लस काट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इसको भी लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपने फिर यहाँ देखा कि जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन देखा था, वैसे ही यहाँ पर एक संबंध और हमको मिल गया काट और कासेक के बीच में, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। आप जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 2 अनुपातों के बीच में ऊपर संबंध हमने निकाला था और ये 2 अन्य अनुपात जो थे उसके बीच में ये संबंध निकला। ये संबंध हमने प्राप्त किया था तब जब हमने सर्वसमीका 1 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया था, तो ये संबंध मिला, इसे हम सर्वसमीका 2 कहेंगे। तो ये सर्वसमीका 2 है। हमने अभी बात की थी कि 2 संभावनाएं हमारे पास होंगी, एक साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर एक संबंध मिलेगा और दूसरा संबंध मिलेगा कास स्क्वायर थीटा से भाग करने पर। तो अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर संबंध निकाला, यह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग करके देखते हैं। तो दूसरा संबंध जैसे हमने प्राप्त किया था साइन स्क्वायर थीटा से भाग करके, हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करके देखते हैं और क्या संबंध प्राप्त होता है उसको हम देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम भाग कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, और कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी हम भाग कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, बराबर के दूसरी ओर जो वन है उसको भी हम भाग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ हम देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक जैसे हैं, कट जाएंगे, इसकी जगह में हमको एक मिल जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इस पूरे की घात 2, दोनों की घात 2-2 थी, हमने इसको इस रूप में लिख लिया और इसे हमने लिख लिया एक, और इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं एक बटा कॉस थीटा और पूरे की घात 2। फिर हम देखें यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के संबंध को हम टेन थीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ऐसे ही सेक थीटा ये बराबर होता है एक बटा कॉस थीटा के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है उसकी जगह में हम टेन थीटा रख सकते हैं, और यहाँ एक बटा कॉस थीटा है उसकी जगह में हम सेक थीटा रख सकते हैं। तो रखते हैं इसमें टेन थीटा, इसका वर्ग हो जाएगा ये धन एक, और बराबर एक बटे कॉस थीटा की जगह में हमने रखा सेक थीटा और इसका वर्ग किया। फिर जैसा कि हमने अभी बताया आपको लिखने का तरीका कि ये टेन थीटा का वर्ग है उसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा ये प्लस वन, और ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने फिर देखा
कि टेन थीटा और सेक थीटा ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है और इन दोनों अनुपातों के बीच में फिर एक संबंध हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक धन टेन स्क्वायर थीटा। ये जो हम प्राप्त किए सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक संबंध है और इसे हम कहेंगे सर्वसमिका तीन। तो आपने देखा कि हमने एक सर्वसमिका ली और उससे दो और सर्वसमिकाएं प्राप्त की। तो इस तरह से अब आप इस कक्षा में तीन सर्वसमिकाओं के बारे में भी जान सके, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरा आपने देखा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो सर्वसमिका है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करके देखें, सर्वसमिका एक की तरह सर्वसमिका दो और सर्वसमिका तीन को भी उनके अलग रूपों में लिखिए।